YouTube पे आप काफी सारे शॉर्ट्स वीडियो देखते होंगे जिसके अंदर कुछ इस तरीके की शॉर्ट वीडियो भी आपने देखे होंगे जिसके अंदर मिलियन में व्यू आप यहां पे देख सकते हैं। इसकी जो सब्सक्राइबर की बात करें तो 1.0 मिलियन सब्सक्राइबर है। अगर इसकी अपन अर्निंग की बात करें तो मैं यहां पे इसकी अर्निंग भी शो करा देता हूं। तो यहां पे इसकी अर्निंग है वो 6.1K जो कि पर मंथ डॉलर्स के अंदर है। यानी कि आप सोच सकते हो कि एक YouTube शॉर्ट्स जो कि एक आसान सा YouTube शॉर्ट है जो मैं यहां पे बनाना सिखाऊंगा जिससे आप आसानी से लाखों रुपए क्रिएट कर सकते हो। एक सेकंड चैनल की बात कर लेता हूं जिसका नाम रहेगा पॉजिटिव वाइब। इसके जो सब्सक्राइबर है वो 1,25,000 सब्सक्राइबर है और इसने भी काफी ज्यादा वीडियो अपलोड किए हैं। इनकम की बात करूं तो यहां पे ये भी कम से कम यहां पे 7.2K डॉलर पर मंथ कमा रहा है। तो ये कुछ चैनल है, इन तरह के चैनल आप बना सकते हो और ये काफी आसान है। तो मैं सारा मेथड आपको यहां पे बताने वाला हूं कि आपको किस तरीके से ये सब करना है। सबसे पहले मैं आपको उस वेबसाइट पे लेके चले जाता हूं जहां से ये सब करने वाले हैं। अगर संदीप माहेश्वरी के ही अगर आप बनाना चाहते हो YouTube सोर्स तो आपको संदीप माहेश्वरी वाले चैनल पे इस प्रकार से विजिट करना होगा। तो यहां पे जाने के बाद में आपको क्या करना होगा, कुछ एक वीडियो यहां से उठा लेना होगा। तो हमें मान लीजिए ये वाला वीडियो या फिर मान लीजिए मैंने ये वाला वीडियो उठा लिया है। वीडियो ले लेने के बाद में बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से इस कॉपी को लिंक कर लीजिएगा। कॉपी लिंक करने के बाद में आपको जो प्रोसेस है वो आगे का कुछ इस तरीके से रहेगा। आपको इस वेबसाइट के ऊपर चले जाना होगा। ये वेबसाइट है, मैं नीचे आपको दे दूंगा, वहां से आप सीधा चले जाएंगे। इसमें जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद में आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना, और नाउ जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं कुछ नॉर्मल इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और सब यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलती है। तो आपको क्या करना है, अपन लिंक उठाई है तो आपको लिंक वाले पे बेसिकली क्लिक करना और वो लिंक है वो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद इंपोर्ट वाले पे क्लिक करना। जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे वो वाला वीडियो है वो यहाँ पे एक टाइमलाइन के रूप में नजर आ जाएगा। अब बेसिकली आपको क्या करना होगा, इस टाइमलाइन से उस एक बेस्ट पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, जो पार्ट्स का एक यूट्यूब शॉर्ट बनाएंगे जिसपे काफी ज्यादा व्यू आ सकते हैं। तो मैं यहाँ से किसी भी पार्ट को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। तो मान लीजिए यहाँ से मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट करने के लिए बेसिकली आप कट वाले पे क्लिक करूंगा तो ये ट्रिम हो जाएगा, आगे के पार्ट को डिलीट कर दूंगा। और YouTube शॉर्ट 1 मिनट के अंदर होता है तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ तक रख लेता हूँ। ओके, यहाँ तक रखने के बाद में इस पर क्लिक करके इसको कट कर दूंगा। जैसे कट करूंगा पीछे के पार्ट को डिलीट कर दूंगा। इसके बाद में जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको आपको आगे की तरफ ले जाना है, यानी कि 0 सेकंड पे जहाँ पे ये स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे इसको इस प्रकार से सेट कर दूंगा। ओके, ये वीडियो यहाँ पे आ गया है। अब आपको क्या करना है कि आप बोले कि यहाँ से आप ऑटो सबटाइटल्स वगैरह ऐड करना है तो यहाँ से भी ऑटो सबटाइटल्स ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ से नहीं करना क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम लेता है और सबटाइटल अच्छे से ऐड भी नहीं होते। तो मैं इसको बेसिकली एक्सपोर्ट वाले पे क्लिक करके एक्सपोर्ट एंड डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा। जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा थोड़ा सा ये टाइम लेगा, तो आपको यहाँ पे ईमेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, आपको इसे बेसिकली कट कर देना है। सो मैं कट कर देता हूँ और लिटिल थोड़ा सा आपको यहाँ पे टाइम पे रुक जाना होगा। सो हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, न्यू प्रोजेक्ट 2 करके यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं एक बार इस पे क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये वाला वीडियो यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो वाटरमार्क है वो भी आ गया है, बट इसको आगे कैसे हटाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इजीली इसको हटा पाएंगे। तो बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद अब इसके अंदर सबटाइटल्स वगैरह ऐड करने हैं, तो इसके लिए आप एक वेबसाइट पे जाएंगे जिसका नाम रहेगा कैपविंग। ये वेबसाइट आप डिस्क्रिप्शन में इसकी URL दे दूंगा, वहां से आप सीधा ले लेना। इसके बाद में बेसिकली क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा रीलोड कर लेता हूँ। सूज वीडियो पे बेसिकली क्लिक कीजिएगा, वापस इस पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में जो वीडियो अभी अपने डाउनलोड किया था उसे सेलेक्ट करूंगा और इस पे टाइमलाइन में ला दूंगा। तो ये कुछ इस तरीके का वीडियो आ गया है। अब अपन को इसके अंदर सबटाइटल्स ऐड करने हैं, तो सबटाइटल्स ऐड करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑटो सबटाइटल्स। तो यहाँ पे अपन को बेसिकली क्लिक करेंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे इसके बाद में आपको आपको ओरिजिनल लैंग्वेज है यानी कि हिंदी में स्पीक कर रहा है और अपन को इंग्लिश में सबटाइटल्स ही है तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप नीचे आएंगे और ऑटो सबटाइटल्स पे क्लिक कर देंगे। नाउ जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बाद में ये सबटाइटल्स ऐड होके आपके पास नजर आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में सबटाइटल्स आ चुके हैं कुछ इस तरीके के, लेकिन ये यहाँ पे अपन के बीच में नहीं आ रहा है। तो अपन इसको बीच में रखने के लिए बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने के बाद में आप देखेंगे कि मैं इसे जैसे प्ले करता हूँ तो ये यहाँ पे 3 वर्ड्स में आ रहा है, तो इसको मैं कम करना चाहूंगा। तो आपको यहाँ पे करेक्टर्स पर सबटाइटल्स पे आके इसको यहाँ पे कम करेंगे, 2 या फिर 1 जो भी रखना चाहेंगे।
तो मैं एक वाले पे जा के छोड़ दूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे सारे सबटाइटल्स यहाँ पे इस प्रकार से आ गए हैं। इसके बाद कुछ स्टाइल है, यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टाइल्स मिल जाएगी। बेसिकली आपको जो भी अच्छी लगती है उसे ले लीजिएगा, ले लेने के बाद में ये यहाँ पे आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ये वाली स्टाइल सिलेक्ट कर दी है। इसके बाद में आपको क्या करेंगे, एक बार रन करके देख लेते हैं। पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग करते ही हैं, चाहे स्केड्यूल कितना भी बिजी क्यों ना हो। सो इट्स अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ समवन हु इज सो ये यहाँ पे आ गया है। इसके बाद में आपको कुछ अगर एनिमेशन वगैरह यहाँ पे करना है तो आप कर सकते हैं, किसी भी फॉन्ट की डिजाइन वगैरह चेंज करनी है तो वो कर सकते हैं। उसके जो रिवील होने का है यहाँ पे हाईलाइट वाला है, एक कलर वाला है, तो यहाँ पे ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप देख लेना। तो ये हमारे वीडियो के अंदर सबटाइटल्स वगैरह एड हो गए। ये एड होने के बाद में बेसिकली आपको क्या करना होगा, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट वाले पे क्लिक करना। यहाँ पे इसकी सेटिंग को 720 पिक्सल्स रख देंगे, क्योंकि 180p पे आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, अपग्रेड करना होता है, तो वो अपन नहीं करने वाले, फ्री में काम करने वाले। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट एज MP4 पे क्लिक कर, तो लिटिल बिट ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा कितना टाइम लगने वाला है इसके अंदर। तो यहाँ पे देख लीजिए 15% का हो गया है। सो नाउ ये वाला वीडियो है अपने पास आ गया है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये यहाँ पे आपका वीडियो प्रोजेक्ट के अंदर सेव हो गया है अपनी फाइल्स के अंदर। अब अपन को क्या करना होगा, एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या कमी आ रही है। तो यहाँ पे दो चीजें आ रही है, एक तो यहाँ पे दोनों वाटरमार्क आ गए हैं, इसको अपन इजीली रिमूव करेंगे। इसके लिए बेसिकली करना क्या होगा, आपको क्या करना, बैक आ जाना। बैक आने के बाद में आपको किसी भी एप्लीकेशन के अंदर चला जाना। आप अगर प्रीमियम प्रो में करना चाहते हैं तो उसमें कर लीजिए, कैपकट में करना चाहते हैं तो उसमें कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे कैपकट को यूज में लेना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा अपन कुछ भी एडिटिंग वगैरह नहीं करने वाले। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, ओपन मैंने कर लिया है, इस वाले को मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। ओके, इम्पोर्ट प्रोजेक्ट में जाके मैं यहाँ पे उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला प्रोजेक्ट था। ओपन बेसिकली क्लिक करूंगा, इस प्रोजेक्ट को टाइमलाइन के अंदर यहाँ पे ड्रैग करूंगा। इसके बाद में जो ये आपको क्या करना है, इसका रेशियो यहाँ पे मैंने 9:16 ऑलरेडी रख रखा है, इसका रेशियो ये मिलता है, लेकिन अपन को क्या करना होगा 9:16 वाले रेशियो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आप देखेंगे इसकी जो साइज है वो बराबर नहीं आ रही, तो आपको क्या करना है, स्केल पे जाके इसको 320 पे सेट कर देंगे। और जैसे 320 पे सेट करेंगे, ये वाला फॉर्मेट है वो शॉर्ट वाला आ चुका है। एक बार मैं यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये वाला जो है शॉर्ट वीडियो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है अच्छे से। इसके बाद अपन को क्या करना है, इसके अंदर कुछ भी एडिटिंग नहीं करनी। अगर आप कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं या फिर कुछ लिखना चाहते हैं कैप्शन वगैरह यहाँ पे, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा इसके अंदर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, योर जुडिशियली है, अगर कुछ भी आप वर्ड वगैरह लिखना चाहते हैं तो वो भी बहुत ईजी है। आपको टेक्स्ट वाले पे जाना, प्लस वाले पे जाके यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये वाला है ना, इसको आप क्या करेंगे, ऊपर ले जाके यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देंगे, XYZ जो भी। ये टाइप करने के बाद में इसमें आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड वगैरह एड कर सकते हैं, और इसके जो फॉन्ट वगैरह है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो वो बाकी एडिटिंग का प्रोसेस रहता है जो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वैसे अभी नहीं रखने वाला हूं। तो ये करने के बाद आपको बेसिकली एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। एक्सपोर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे ये वीडियो अपना यहाँ पे बनके तैयार हो जाता है। तो इसका जो फाइनल आउटपुट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ, और यहाँ पे जाके ये वाला वीडियो है वो अपने पास बनके रेडी हो गया है कुछ इस तरीके का। यहाँ पे नो वाटरमार्क है, और आसानी से अपने ना वीडियो को डाउनलोड किया और बिना डाउनलोड करके मात्र एक लिंक से इसको सारा का सारा कर दिया। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी वीडियो को बना सकते हैं, यूट्यूब शॉर्ट में क्रिएट कर सकते हैं, काफी आसान है, और बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे शॉर्ट तैयार करके आप अपने YouTube पे अपलोड करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्त को अगर जरूरत है इस वीडियो की तो उसे भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।